हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनीस केसरी आर्ट एंड क्राफ्ट। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। आज हम लोग बनाने वाले हैं मोर पंख, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। गाइस, सबसे पहले मोरपंख ड्रॉ कर लेते हैं। हमें कुछ इस टाइप से ड्रॉ करना है उसको। पहले हमें एक हार्ट शेप बनाना है, फिर उसका एक थोड़ा सा बड़ा हार्ट शेप बनाना है, और फिर हमें एंड में उसको एक राउंड सर्कल देना है हमें उसको, कुछ इस टाइप से। और फिर हमको कुछ इस टाइप से उसकी, जो हम बोल सकते हैं डंडी होती है, कुछ इस टाइप से बनाना है उसको। उसके बाद हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको इसमें कुछ इस टाइप से हम पंखे बनाएंगे इसकी, इस टाइप से। थोड़ा आप डिफरेंट लुक भी दे सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। सो गाइस, मोर पंख हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसमें करेंगे कलर। तो मैं वाटर कलर का यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास पोस्टर कलर है। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उससे कर सकते हैं। वैसे पोस्टर कलर मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, किसी भी आपको क्राफ्ट शॉप या फिर स्टेशनरी शॉप पे मिल जाता है। सो गाइस, पहले हम येलो कलर करेंगे। जो आप इसका इनर पार्ट देख रहे हैं वहाँ पर कुछ इस टाइप से करेंगे हम। आप बस ये देखिए कि मैं कलर को किस टाइप से मिक्सिंग कर रहा हूँ। सो गाइस, अब हम इसमें थोड़ा सा रेड मिक्स करेंगे येलो में, थोड़ा सा बिल्कुल। और इसकी आउटलाइन देंगे हम कुछ इस टाइप से। और उसके बाद गाइज, हमको थोड़ा सा इसको ऐसे मिलाना है इस टाइप से, और एक बीच में हमको ऐसे लाइन सा बनाना है। क्यों, आपने देखा होगा मोर पंख में, नोटिस करा होगा कि वो बीच में थोड़े से सर्कल टाइप से दिखते हैं। तो हमको कुछ इस टाइप से इसमें टेक्सचर देना है। आप अगर आपको थोड़ा हल्का लग रहा है तो आप उसको थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसमें आप कलर मिक्स कर सकते हैं। बट मेरे को ये परफेक्ट लग रहा है तो मैं इतना ही पे इसको रहने देता हूँ। अब फ्रेंड्स, हमको लाइट ब्लू कलर यूज़ करना है। अगर आपके पास लाइट ब्लू कलर नहीं है तो आप वाइट में ब्लू मिला के, थोड़ा सा ब्लू मिला के लाइट ब्लू कलर कर सकते हैं। वैसे तो एक्राइलिक और या फिर पोस्टर में लाइट ब्लू कलर मिलता है, बट वो डार्क सा होता है थोड़ा। तो हम उसमें वाइट मिला के कुछ इस टाइप का टेक्सचर देंगे। और इसको मुझे सॉफ्टली सॉफ्टली मिक्स करना है, बिल्कुल सॉफ्टली मिक्स करना है इसको। सो गाइस, अब हमको इसको थोड़ा सा इससे डार्क सा कलर लेना है जो कि ब्लू ही होगा हम पे, और इसकी भी आउटलाइन कर देनी है, जैसे कि हमने रेड से करा ऑरेंज पे, ऑरेंज सा बनाया हमने रेड से करके येलो पे, कुछ इस टाइप से। एकदम सॉफ्टली करना है गाइस, और इसको फैलाना नहीं है हमको, और अपने ब्रश को कपड़े से आप साफ करते रहें। और गाइस, इसमें हमको भी हल्का सा ऐसे साइड में, ऊपर के साइड में ऐसे फैला देना है नॉर्मली, सॉफ्टली। सो गाइस, अब हमको डार्क ब्लू कलर लेना है, बिल्कुल डार्क ब्लू। अगर आप पे डार्क ब्लू नहीं है तो आप पर्पल भी यूज़ कर सकते हैं। और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हमको पूरा ही डार्क ब्लू कर देना है कुछ इस टाइप से।
और गाइस, जैसा कि आपने देखा होगा कि मोर पंख में थोड़ा सा साइन होता है, तो हमको क्या करना है, जो डार्क ब्लू कलर हमने अभी यूज़ करा है उसमें थोड़ा सा वाटर मिला के और इसको हमको फिल कर देना है। वो सूखने के बाद थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, जो कि लगेगा कि वो साइन कर रहा है कुछ इस टाइप से। सो गाइस, अब हमको लाइट ग्रीन कलर करना है। अगर आपके पास लाइट ग्रीन कलर नहीं है तो आप डार्क ग्रीन में वाइट मिला के उसको लाइट कर सकते हैं, आप जितना चाहे उतना लाइट कर सकते हैं। अब हमको कुछ इस टाइप से इसको एक एक पेटल को फिल करना है। सॉफ्टली करना है गाइस, और बाहर नहीं निकालना है, बिल्कुल सॉफ्टली करना है। ऐसे हमको सारे पेटल्स करने हैं। सो गाइस, हमारा मोर पंख की पेटल्स जो है हमने कलर करके कंप्लीट कर दिया है। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने कहीं थोड़ा डार्क कलर रखा है, थोड़ा कहीं लाइट, जिससे कि वो हाइपर रियलिस्टिक लुक दे। अब गाइस, हमें थोड़ा सा वाइट कलर लेना है और हमें इसमें थोड़ा सा और निखार देना है, कुछ इस टाइप से पतली सी लाइन बनानी है वाइट कलर की। और इसको भी हाईलाइट इसी टाइप से देना है, जिससे कि वो बहुत ही प्रीटी लुक दे। और गाइस, ऐसे ही हम एक लाइन और देंगे, जो कि ब्लू से थोड़ा सा पीछे के साइड से ही देंगे, जिससे कि थोड़ा सा ब्लू में भी निखार आए ऊपर वाली प्लेस पे। और गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अब गाइस, हम थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर लेंगे गाइस। हमको लाइट ग्रीन तो हमने कर दिया है, अब हम डार्क ग्रीन लेके इसको जितना भी हमने पेंसिल करा था उसको ऐसे सॉफ्टली सॉफ्टली किनारे किनारे पतली लाइन बनाते हुए हम पेटल्स को हाईलाइट कर देंगे इस टाइप से। सो गाइस, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा आउटलाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमें डार्क ग्रीन कलर ही लेना है, और जो हमारी ये डंडी है इसको हम थोड़े सॉफ्टली इसको फिर भी इसको भी हम कर देंगे कुछ इस टाइप से। और गाइस, हमारा मोर पंख रेडी है, और आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि आपको ये मोर पंख कैसा लगा। और प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching.